नमस्कार दोस्तों, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपने एसएससी का टीयर टू दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर अपन इतना अटेम्प्ट किए हैं, इतना क्या सेफ हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर वो लोग कट ऑफ जानने की बात कर रहे थे, तो कट ऑफ एनालाइज करने से पहले मैंने सबसे पहले पेपर को एनालाइज किया था। तो पेपर जो आपने बताया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, और डिफरेंट सोर्स से भी मैंने आपके क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट किए, उसके बाद आप ही के आंकड़े मैंने कलेक्ट किए। तो जो पेपर का लेवल था इस बार वैसा कुछ था नहीं जो हुआ बना रखे थे कि एकदम से ये लेवल का क्वेश्चन या कैट लेवल मैट लेवल, मतलब कि डिफरेंट लेवल का जो अपन सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन ना, वैसा कुछ लेवल था ही नहीं, एकदम से मॉडरेट लेवल था। हाँ, वो अलग बातें थी कि टीयर टू था तो ऑब्वियस है कि थोड़ा लेंदी तो क्वेश्चन होंगे, तो मैथ्स में आपके थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे लेकिन हल करने वाले थे, टाइम टेकिंग थे लेकिन हल करने वाले थे। ऐसा नहीं कि आता ही नहीं हो, आता है बट टाइम नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा जो मैथ्स में है वो आप कह सकते हैं मॉडरेट से 1% एबव था। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो भैया इंग्लिश अगर आप इस बार अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया है तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, क्योंकि एवरेज बंदे भी 170 तो मिनिमम कर ही सकते हैं। तो अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें कि इतना अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सेफ अटेम्प्ट है। अगर मैथ्स में 81 प्लस अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है, सही की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग 2-3 जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर 78 भी किया है तो मतलब कि कंसेशन आपको मिल सकता है। तो अगर इतना प्लस माइनस 2 या 3 आप लिख सकते हैं, इतना अगर आपका अटेम्प्ट है सही सही तो मैथ्स में आपका सेफ स्कोर है, मतलब। और अगर इंग्लिश में 180 या आप कह सकते हैं 175, ठीक है, इतना अगर नहीं किए हैं तो मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो इंग्लिश का पेपर था एकदम से हलवा टाइप का था, ठीक है, मैंने देखा है, मतलब कि हलवा टाइप का था। तो ये थी पेपर का एनालिसिस कि पेपर कैसा आया था। हाँ, वो बाद में कैसा आ जाएगा वो अलग बात है, अभी तक जितने पेपर आए हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी अभी तक पेपर हुए हैं टीयर टू के, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं जो कट ऑफ निर्धारित कर रहा हूँ वो है जनरल में 425 से 436, इसमें प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, वेरी 36 के जगह 41 चला जाए और यहाँ पे 25 के जगह 20 चला जाए, जो कि कम संभावना है ऊपर ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा पढ़ने वाले होते हैं, टीयर टू तक पहुँचे हैं तो पढ़ने वाले ही लड़के होंगे। ओबीसी की बात करें तो ये प्लस 5 यानी कि 125 तक जा सकता है, सॉरी 425 तक जा सकता है। एससी की बात करें तो 325 से 345 और एसटी की बात करें 300 से 305। तो आशा करते हैं ये जो कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा आप नंबर लाएंगे और अच्छे से सिलेक्ट होंगे और आप इंस्पेक्टर या एग्जामिनर तक तो जरूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो कट ऑफ है वो आपके आंकड़े के अनुसार जो मैंने सही ही दिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।